तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द तारिक मीर व्लॉग्स चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो इस टाइम हम हैं डल लेक। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं लोकेशन। तो अभी मैं और सहेल और आकिब है साथ में, तो अभी हम जा रहे हैं डल लेक घूमने और बाकी देखते हैं हजरत बल अगर गए, जो भी रहेगा आपके साथ शेयर होगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हमारा लंच हो गया, तो अब हम आए हैं डल लेक। तो पीछे से आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे व्यू डल लेक का। तो अभी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मैं डल लेक का। तो देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आप तो गाइज, तो अभी हम हैं डल लेक पे ही अभी भी, तो हम सनसेट का वेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी देख रहे हो सुहेल भाई और सारे सनसेट का वेट कर रहे हैं। सनसेट ही नहीं है, गई क्लाउडी पूरा है स्काई, देख रहे होगे आप पीछे से। तो सनसेट का वेट हो रहा है यहाँ पे, और फिलहाल हम फोटो शूट कर रहे थे जो कि अभी भी चल रहा है। तो आगे देखते हैं आगे क्या कुछ रहेगा। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं हजरत बल दरगाह। तो अचानक से प्रोग्राम बन गया हमारा हजरत बल दरगाह आने का। तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, रील्स में आपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ की वीडियोस देखे होंगे। तो हम उसी लोकेशन पे हैं अभी। तो अभी हम बैक साइड से हैं शायद, पूरा कंफर्म नहीं है मुझे। तो अभी देखते हैं और क्या कुछ रहता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हम हजरत बल दरगाह पहुँच चुके हैं। तो गाइज ये रहा दरगाह का फ्रंट गेट। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है बाहर से व्यू देखिए यहाँ का, और जो यहाँ पे पंछी उड़ रहे हैं। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं डल वाले साइड, दरगाह के नीचे जो पार्क है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं लंच वगैरह जो भी कुछ रहता है। तो उस साइड से आ चुका हूँ मैं। तो अभी यहाँ से जो है पूरा बैकग्राउंड में आप डल लेक देखेंगे। तो ये दरगाह के नीचे वाले साइड से ये एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये भी है। तो गाइज ठीक, हम अभी दरगाह के नीचे वाले साइड बैठे हैं डल लेक साइड। यहाँ से चार चिनार भी है जो कि यहाँ से नज़दीक पड़ता है, और सब आके उन्हें जूते निकाल दिए और बैठ चुके हैं पानी में। तो अभी यहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे दरगाह का, और यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत लगता है बाहर से। तो गाइज ये रहा दरगाह हजरत बल का मार्केट, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा पुराना मार्केट भी। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड, लोकल फास्ट फूड देखने को और खाने को मिलेगा, और साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट थिंग्स एंड ट्रेडिशनल ड्रेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो गाइज इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में। और जिसको वीडियो पसंद आया वो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा और फेसबुक पे जाके फॉलो करेगा। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।